हाँ यार, तो क्या हाल चाल है तुम लोग? 6:55 हो गया है अभी। कल मैंने, नहीं कल नहीं, आज मैंने वीडियो अपलोड की थी कितने 8 बजे। तो मस्त जा रही है भाई वीडियो। भाई तुम लोग का तगड़ा रिस्पॉन्स है, पता नहीं कैसे रिकमेंडेशन में जा रही है वीडियो, बट ठीक है, वो तो बात की बात है, छोड़ो। तो मैं सो गया था 11 बजे तक, मैं उठा हूँ अभी 6 बजे एक्चुअली। ठीक है, नींद तो पूरी हो गई है, तभी पढ़ लेंगे रात भर जाग के यार। हाँ, तो टारगेट ये है कि आज पढ़ना है हमें, और इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आज 22 है। देखो तो इंग्लिश का एग्ज़ाम भी है, और 27 इंग्लिश का एग्ज़ाम, मतलब 4-5 दिन में इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं भाई देखो इंग्लिश इतना प्यार से, तो अब अंत के टाइम में पढ़ना पड़ेगा ना। देखो तो एज एन अल्टरनेटिव लेके चलना है। मेरे से बंदा पूछ रहा था भाई बहुत जल्दी नहीं हो गया? तो भाई देखो, अगर तुम मान लो तुम यही चीज़ 24-25 से शुरू करोगे ना, बहुत प्रेशर बन जाएगा। 26 को तुम, लगता है तुम पढ़ पाओगे इतना अच्छे से? इतना दिमाग पे प्रेशर रहेगा ना भाई, कल कैसा बोर्ड है, पहले बार बोर्ड है, कैसा जाएगा, आप कैसे पहुँचेंगे, ये सब का। आशीष सर के वीडियो से मैं ये बोल रहा हूँ वैसे, बट ही वॉज सेइंग रियली ट्रू, उनकी बातें सही थी। तो देखो फोर्स रहेगा तुम्हारे ऊपर बहुत, मतलब तुम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए अभी से तुम तैयारी शुरू कर दो। तैयारी रहेगी तो इतना कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, बस शुरू कर दो अभी। अल्टरनेटिव लेके पढ़ो, 3-4 घंटे दोगे इंग्लिश को, बहुत है भाई, बहुत है। तो मैं भी यही करने वाला हूँ अभी, 7 से 10 अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश इंग्लिश मैं पढ़ूंगा, पहले तो पढ़ लें, जो चैनल है वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो उधर से मैं पहले उनकी रीसेंट वीडियोस आई हैं 2-3 ठो, तो उस पर बहुत सारी इंग्लिश की टिप्स ट्रिक्स हैं, जैसे ग्रामर का तो है, और राइटिंग सेक्शन का। ये दोनों मुझे हेल्प चाहिए बस उनसे, ताकि मेरे को पता चल जाए पूरा अच्छे से, मेरे मार्क्स न कटें कुल मिला के। तो मैं वही जाऊँगा, देखूंगा। और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर तो देखो पढ़ने में मज़ा आता है। देखो लिटरेचर तुम मानो ना मानो, लिटरेचर पढ़ने में मज़ा है। हाँ, क्वेश्चन आंसर लिखने में फट जाती है, बात अलग है। और 40 नंबर का लिटरेचर है भाई, तो बूम बूम हो जाएगा पूरा, ठीक है। मेरे दोस्त का सुबह कॉल आया था, बोला 50 नंबर तो ऐसे ही उठा लेंगे भाई। ठीक, चलो देख लेंगे। तो यही है अभी बकवास इतनी, और शुरू करते हैं पढ़ाई। 7 बज रहे हैं, 6:59 हो गए हैं, चलते हैं भाई, चलो। हाँ यार, तो टाइम हो गया है अभी 12:25, तो अभी तक सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई हुई है भाई, पूरी रात घिसना पड़ेगा फिर से। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा था मैं, पहले मैंने पढ़ ले के 40 मिनट का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने ग्रामर पोर्शन कराया था, 2-3 वर्कशीट कराई थी उन्होंने, 12-12 वाली जो होती है, 12 MCQ, मतलब 36 MCQ बोले तो ईजी थे, मतलब हो जा रहे थे, तो उससे कॉन्फिडेंस मिला था मेरे को। फिर मैंने देखा लेटर, लेटर के सारे इंक्वायरी, कंप्लेन, ऑर्डर, 4 अपने में आ रहे हैं ना, एडिटर वाले, कंप्लेन, इंक्वायरी, ऑर्डर, तो वो सबके मैंने वो लिख लिए पहले, वो मेन पॉइंट था, जैसे उसमें क्या लिखना पड़ेगा। जैसे अगर एडिटर वाला हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, वो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा था, उसके बाद मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ देखा था, ठीक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में भी करना है काम, वैसे वो तो इजी हो बन जाता है, फिर भी मतलब थोड़ा मैं देख रहा था कि मेन पॉइंटर्स में क्या लिखूंगा, रहा जाएगा तो, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताया चाहता था, देखो ये रहो, इस पर मैंने, मैं तुमको क्या कहते हैं, सजेस्ट करूँगा एक पेपर लो, और उस पर ना जैसे दिखाऊँ अगर, तो जैसे देखो
इसमें सारे कलर से MgO वाइट होता है ना, तो पहले चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का अटैच में जितने भी सारे वो हैं अपने एक कंपाउंड है वो जो भी कलर लेता है, तो उन सबके कलर तुम उसमें लिख लो ताकि याद करने में आसानी होगी। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें शेयर भी कर दूंगा, अगर कोई कमेंट वमेंट आया होगा अच्छे खासे तो मैं कमेंट मतलब शेयर कर दूंगा मतलब, ठीक है? तो तुम बोल सकते हो वरना तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? यूट्यूब पर सर्च करना सिंपली कंपाउंड इंपॉर्टिंग कंपाउंड कलर चेंज लास्ट 10, तुम्हें मिल जाएगा। तो ये मैं तुम्हें प्रीफर करूँगा, बना लो चिपका लो, क्योंकि तुम्हें इससे आइडिया मिलता रहता है और तुम्हें बार बार रटना नहीं पड़ेगा कि PbI2 येलो प्रेसिपिटेट होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, तो कल मैंने क्या किया था, कल मैंने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का वो किया था बस, इंपॉर्टेंट जो मेरे टॉपिक्स है जो बचे हैं वो मैंने किया था। तो आज मेरा आगे का मुझे करना है सारे फिजिक्स और बायोलॉजी करूँगा मैं, और यही हो गया शायद मैं थोड़ा अभी देर ग्रामर भी नहीं इंग्लिश पढ़ूंगा, शायद लिटरेचर पढ़ूंगा, यार पहले तो साइंस ही पढ़ूंगा भाई, देखो बाहर में जाए अभी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो टाइम हो गया अभी 4:04, देखो ये मेरा दूसरा रीशूट है, मैंने पहले पूरा 2 मिनट बोला भाई, पूरा ऐसे बकवास किया, फिर मैं देख रहा हूँ उसमें पंखे की आवाज़ इतनी तेज़ है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो पंखा कम किया हूँ मैं, 5 नंबर से 1 नंबर पे किया हुआ है। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा, देखो मेरे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे वीक मैंने सब पढ़ लिया, देखो फिजिक्स के 4 चैप्टर मैंने इतनी देर में कवर किया है। बोले तो पहले चैप्टर मैंने फॉर्मेशन देखा है हर लेंस का, तुम्हें हर मिरर का तुम्हें फॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो तुम्हें पता है कि 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2F2 पे बनेगा, ये तुम्हें पता है, तो शायद ये न्यूमेरिकल बहुत हेल्प करता है, तुम्हें पता होगा न्यूमेरिकल ये सब है हेल्पफुल होता है, तो तुम इसको पढ़ लेना, मेरा सजेशन है तुमको, बना के मत देखना मेरी तरह, इतना टाइम मत वेस्ट करना, बता एक बार देख तो लेना ही। फिर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो सीरीज़ और पैरेलल, देखो सीरीज़ पैरेलल तुमको इजी दिखती होगी और उसका आर इक्विवेलेंट R1 R2 1/R1, लेकिन जब उसको न्यूमेरिकल्स में करना चाहोगे ना, जैसे एक ही सर्किट दे दिया उसी में पैरेलल हो गया उसी में सीरीज़ हो गया, तो फिर वो क्योंकि हमें पता है देखो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वो तुम्हें बहुत दिक्कत दे देगा। चलो ठीक है, वो बकवास हो गया। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, ओके इसके न्यूमेरिकल्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैंने कोशिश किया फिर भी, तुम्हें कुछ पता होगा कैसे करना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो यार। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट डोमेस्टिक सर्किट भाई, ठीक है ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता था मुझे, इतने वायर थे इतने कलर नहीं, 3 ही वायर 3 कलर, लेकिन फिर भी समझ रहे हो, अर्थिंग डोमेस्टिक सर्किट अंडर नहीं इलेक्ट्रिक, अरे क्या भाई कुल मिला के हो गया मेरा, अभी 4:05 हो रहा है, 4:20 से शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है? चलो बाय।